हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स, दैट इज थ्योरीज ऑफ नॉलेज, और वी कैन से एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरीज। तो इस सीरीज में हम चार लेक्चर डिलीवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर रहेगा और जिसमें हम रैशनलिज्म डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिसिजम्स, थर्ड लेक्चर में हम कवर करेंगे स्केप्टिसिजम्स, और फाइनल लेक्चर उसमें हम कवर करेंगे सिंथेसिस ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिजम्स। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद रैशनलिज्म्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरीज देख रहे हैं, तो जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, सिंथेसिस ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, स्केप्टिसिज्म्स, तो हम इनको एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखेंगे कि इनका जो नॉलेज की फील्ड में क्या योगदान है, नॉलेज की फील्ड में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर वर्ड एपिस्टेमोलॉजी को देखा जाए सबसे पहले, तो जो वर्ड एपिस्टेमोलॉजी है, इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, एपिस्टमी एंड लॉजी। तो द ग्रीक वर्ड एपिस्टमी स्टैंड फॉर नॉलेज एंड द ग्रीक वर्ड लॉजी स्टैंड फॉर साइंस। सो द कंपोजिट वर्ड एपिस्टेमोलॉजी स्टैंड फॉर साइंस ऑफ नॉलेज। सो इन एपिस्टेमोलॉजी वी जनरली आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड फेथ्स एंड बिलीफ्स, हाउ नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम फेथ एंड बिलीफ्स, वी कैन से इज नॉलेज पॉसिबल, what is the limit of knowledge, question like what is the source of knowledge। तो मोमेंट जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, तो ये जो हम थ्योरीज की बात कर रहे थे, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, तो ये सब ओरिजिनेट होती हैं, क्योंकि रैशनलिस्ट रीजन को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, एम्पिरिसिस्ट एक्सपीरियंस को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, जैसे कांट थे, सिंथेसिस थे, उन तो रीजन और एक्सपीरियंस दोनों को मानते हैं। स्केप्टिसिजम्स की बात करें तो वो डाउट्स को फिलॉसफी की फाउंडेशन मानते हैं, तो इस तरह से काम करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद रैशनलिज्म्स। तो रैशनलिज्म्स को अगर एज एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी देखा जाए, तो वो ये मानते हैं कि जो रीजन है, इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो मोमेंट यू से इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, इट मीन्स यू आर डिनाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस एक्सपीरियंस इन नॉलेज। तो मतलब जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये भी आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बट जो रीजन को सपोर्ट करते हैं, वो इन फाइव सेंस ऑर्गन्स का जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, तो रीजन को प्रायोरिटी मानते हैं वो। मतलब दैट इज वाई जो रैशनलिज्म फिलोसफी है, जो रैशनलिस्ट थिंकर्स हैं, वो ये मानते हैं कि जो नॉलेज है वो ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। जब आप ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स कह रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि नॉलेज एक्सपीरियंस से पहले होता है। तो मतलब नॉलेज एक टाइप का मेंटल एंटिटी हो गई, नॉलेज सेंसरी नहीं रहा। तो मतलब नॉलेज सेंसरी नहीं है, तो मतलब सेंस एक्सपीरियंस का नॉलेज में कोई रोल नहीं है। तो मतलब जो रीजन को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानेंगे, वो सेंस एक्सपीरियंस के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में देखें हम अगर, तो रैशनलिज्म जो स्कूल है, जो रीजन को सपोर्टर हैं, जो वो काफ़ी पुराने टाइम से रहे हैं, जैसे हम प्लेटो की बात करते हैं, सोक्रेट्स की बात करते हैं, तो ये भी रीजन्स को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे। जैसे मतलब हम प्लेटो की ही बात करें अगर, तो जो प्लेटो की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड मैटर, मेटाफिजिकल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रियलिटी है ये उनकी, तो प्लेटो क्या कहते हैं कि जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हैं, आइडियाज़ जो हैं, उसको थ्रू रीजन जाना जा सकता है, थ्रू एक्सपीरियंस नहीं। जो आप एक्सपीरियंस के थ्रू जानते हो, वो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम लें एक सर्कल है और एक आइडिया ऑफ सर्कल है, मतलब फाइव सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप सर्कल को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और सर्कल का नॉलेज आपके पास आता है थ्रू एक्सपीरियंस। बट जो आइडिया ऑफ सर्कल है, ये मेंटल एंटिटी है, जो आइडियाज हैं, जो फॉर्म्स है, वो मेंटल एंटिटी है, और उसको कैसे जाना जा सकता है, सिर्फ रीजन्स के थ्रू, दैट इज बाय दे सपोर्ट रीजन्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। बट अगर हम रैशनलिज्म को एज एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल देंगे, जो ये डेवलप हुआ था अराउंड 16th सेंचुरी के, तो इट वाज फाउंडेड बाय रिने डिकार्ट्स, द फादर ऑफ रैशनलिज्म, जिसे कहते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न बेसिन फिलॉसफी भी कहते हैं उन्हें। तो इसको फॉलो किया था स्पिनोज़ा ने और लेबनीज ने। तो मतलब ये दो तीनों फिलॉसफर थे, मॉडर्न बेसिन फिलॉसफर, ये तीनों सपोर्टर हैं रैशनलिज्म के, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स के। वो ये मानते हैं कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से पहले होता। तो जब आप एक्सपीरियंस से पहले की बात करते हैं ए प्रायोरिटी, तो इसका मतलब है कि वो रीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर डिकार्ट्स की पर्टिकुलरली बात की जाए, वो जो फाउंडिंग फादर हैं, तो डिकार्ट्स थे मैथमेटिशियंस, और बीइंग ए मैथमेटिशियंस ही वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, और वी कैन से सर्टेनिटी दैट वी फाउंड इन द मैथमेटिक्स।
सो दे वांट द सेम काइंड ऑफ सर्टेनिटी इन फिलोसफी. तो वो उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि किस तरह से पॉसिबल है. तो जब वो ट्रेडिशनल सिस्टम्स को देखते हैं, फिलोसफी के मेडिवल सिस्टम को देखते हैं, तो वो ये पाते हैं कि जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स फिलोसोफर ने यूज़ किए हैं वो सर्टेन नहीं है, वो डाउटफुल है. तो अगर प्रिंसिपल डाउटफुल हैं तो फिलोसफी भी डाउटफुल होगी जो इस पर बिल्ड की गई है. दैट इज़ बाय दे चूज टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द फिलोसफिकल सिस्टम्स, प्री एस्टेब्लिश जो सिस्टम थे. सो डिकार्ट्स क्या करते हैं, जो पास्ट से बिल्कुल एक ब्रेक ले लेते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. तो वो तीन आर्ग्यूमेंट्स भी प्रपोज करते हैं. जब हम उनका मेथड ऑफ डाउट्स देखें, अगर वो तीन आर्ग्यूमेंट्स प्रपोज करते हैं, ये जो उनका मतलब जो तरीका है फिलोसफी करने का, कि हम हर एक चीज़ पे डाउट करेंगे, तो वो तीन आर्ग्यूमेंट्स भी इसके फेवर में प्रपोज करते हैं, जिसमें बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम सेंस परसेप्शन, ड्रीम आर्ग्यूमेंट्स, इवल डेमन आर्ग्यूमेंट्स. जैसे सेंस परसेप्शन आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सिंपली ये था कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो कई बार हमें धोखा देते हैं. हमारी आईज हमें गलत डाटा प्रोवाइड करती हैं, हमारी टंग हमें गलत डाटा प्रोवाइड करती है. अगर आपका सेंस ऑर्गन एक भी बार अगर आपको डिसीव कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो वो बार बार भी दे सकता है. इसलिए जो एक बार धोखा दिया तो उसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता. ड्रीम आर्ग्यूमेंट में वो यही बताते हैं कि जो हम ड्रीम में जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ड्रीम में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो कैसे हम श्योर हो सकते हैं कि जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं ये एक ड्रीम में नहीं बल्कि एक वेकिंग स्टेज में है? तो पॉसिबली शायद पूरी लाइफ ही क्या हो, एक ड्रीम हो. और ईवल डेमन आर्गुमेंट की बात करें तो वहाँ पे ये बताते हैं कि जो ईवल डेमन शायद कोई एक ऐसा शैतान हो, ऑल पावरफुल डेमन हो, जो हमारे सारे एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट कर रहा है. ऐसा है नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे गेम्स में होता है. गेम्स में गेम मैकेनिकल है, वो ऑलरेडी प्री एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं प्लेयर्स, बट आपको लगता है कि गेम को आप चला रहे हो. सेम वे में आपको लग रहा है ये लाइफ आप चला रहे हैं, आपने चूज़ किया पढ़ना, आपने चूज़ किया नहीं पढ़ना, बट शायद ये किसी गेम का पार्ट है और आप जो भी कर रहे हैं वो कोई आपसे करवा रहा है, ऐसी कोई प्री कंडीशन लगाई हुई है उसने. तो इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स में डिकार्ट ये प्रूव कर देते हैं कि हम किसी भी चीज़ पर डाउट कर सकते हैं, कि सेंस ऑर्गन धोखा दे सकते हैं, हम ड्रीम में हो सकते हैं. इवन मतलब ये तक बोल देते हैं कि जो साइंसेस के प्रिंसिपल्स हैं वो भी डाउटफुल हैं. सो दैट इज़ वाई डिकार्ट्स प्रपोज टू सिस्टमेटिकली डाउट ऑल दैट कुड पॉसिबली बी डाउटेड. डिकार्ट्स बिलीव दैट दिस वुड टेक अस टू अ सर्टेन नॉलेज. तो डिकार्ट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर हम सिस्टमेटिक डाउट करें, मैथड ऑफ डाउट यूज करें एज ए फिलोसफिकल टूल, तो मतलब डिकार्ट्स ने क्या किया, जितना भी ट्रेडिशनल सिस्टम था, ट्रेडिशनल फिलासफी थी, कंसेप्ट थे, आइडियाज थे, वो सब रिजेक्ट कर दिए और फिर बिल्कुल एक फ्रेश जीरो से शुरुआत कर दें. तो डिकार्ट क्या करते हैं, डाउट करते 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 जब आप एक्सट्रीम डाउट करने में लगते हैं तो वो अपने भी एग्जिस्टेंस पे डाउट करने लगते हैं. बट डिकार्ट ये कहते हैं कि मैं हर चीज़ पे डाउट कर सकता हूँ, बट मैं इस बात पे डाउट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं डाउट कर रहा हूँ. सो ही कंक्लूड दैट आई डाउट देयरफॉर आई एम. अगर मैं डाउट कर रहा हूँ तो नेचुरली मैं हूँ ना, मैं सब पे डाउट कर रहा हूँ, मैं खुद पे भी डाउट कर रहा हूँ, बट मैं इस बात पे कैसे डाउट कर लूँ कि मैं डाउट कर रहा हूँ. तो वो कंक्लूजन ये निकालते हैं कि आई डाउट देयर फॉर आई एम. सो डाउट द एक्ट ऑफ डाउटिंग इज द एक्ट ऑफ थिंकिंग एंड ही प्रपोज दैट आई थिंक देयर फॉर आई एम. इसको उन्होंने लेटिन में कहा था कगिटो आर्गो सम, आई थिंक देयर फॉर आई एम. तो डिकार्ट क्या बताते हैं कि अगर हम डाउट को एज ए फिलोसफिकल टूल यूज करें तो हमें क्लियर और जो डिस्टिंक्ट नॉलेज है, क्लियर और सर्टेन नॉलेज है, वो पॉसिबल है. तो दैट इज वाई डिकार्ट्स प्रपोज दैट कि हमें क्या जरूरत है, फोर स्टेप्स हैं उनके जो वो प्रपोज करते हैं कि अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, क्लियर नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ का, तो आपको इन ये चार स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट स्टेप में वो क्या बताते हैं कि किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करिए. टेक एवरीथिंग एज ए प्रॉब्लम्स, मतलब नेवर एक्सेप्ट एनी थिंग्स विदाउट एग्जामिनिंग इट. सो हर एक चीज़ को प्रॉब्लम दीजिए. फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, टेक एवरीथिंग एज ए प्रॉब्लम. सेकेंड स्टेप रहेगा डिवाइड दैट प्रॉब्लम इनटू एज मैनी स्टेप्स एज पॉसिबल. सेकेंड स्टेप क्या है, जो प्रॉब्लम आपने ली है, कोई कंसेप्ट है वो, कोई व्यू है, कोई थॉट है, उसको डिवाइड करिए छोटे छोटे पार्ट्स में एज मैनी स्टेप्स एज पॉसिबल. थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, सिंपल से शुरू हो जाइए. अब जब आपने प्रॉब्लम डिवाइड की है उसमें कुछ पार्ट सिंपल होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे, तो आप सिंपल से शुरू करिए और सिंपल से सॉल्व करते करते कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए. और लास्ट स्टेप क्या होगा, फिर से पूरी प्रॉब्लम्स को
कंसेप्ट उसको रीचेक करेंगे, री वेरीफाई करेंगे, री एनालाइज करेंगे, अगर लगे फिर से जरूरत है तो फिर से वो प्रोसेस रिपीट करिए, और जब तक कोई डाउट ना रहे तब तक रिपीट करते रहिए, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, जो नॉलेज होगा आपका वो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होगा, आप उस पर डाउट नहीं कर सकते। तो जैसे मतलब डिकार्ट ये बोल रहे हैं, आई थिंक देयर फॉर आई एम, अब डिकार्ट बोलता है मैं हर चीज़ पे डाउट कर सकता हूँ बट मुझे इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो नॉलेज है वो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज है, और ये डिकार्ट को जो नॉलेज है ये कहाँ से आता है, इंट्यूशन से। इस तरह से डिकार्ट्स अपनी मैथडलॉजी बताते हैं। तो डिकार्ट्स ने जो मैथड चूज़ किया था डेवलप करने के लिए अपनी फिलोसफी, वो था मैथड ऑफ डाउट। शुरू में तो वो एक स्केप्टिक की तरह काम कर रहे थे, बट स्लोली स्लोली जैसे उन्होंने पहले अपने खुद का मेंटल एग्जिस्टेंस प्रूव किया था, जब ये बोलते हैं आई थिंक देयर फोर आई एम, और ये जो नॉलेज था वो इंट्यूटिव नॉलेज था, इंट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ रीजन्स, बॉडी का एग्जिस्टेंस भी वो डिडक्शन से प्रूव करते हैं, जब वो पहले एक्सटेंशन का एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं देन वो बोलते हैं कि मेरी बॉडी भी एक्सटेंड कर रही है और नेचुरली ये भी एग्जिस्ट करती है, इस तरह से वो इंट्यूशंस और डिडक्शंस को रीजन का पार्ट बताते हैं। तो अगर हम डिकार्ट्स की बुक देखें मेडिटेशन, तो उसमें तीन तरह के आइडियाज़ की बात की गई है, जिसे कहते हैं वो इनेट आइडियाज, एडवेंचरस आइडियाज एंड फिक्शियस आइडियाज़। तो अगर हम इनेट आइडियाज़ की बात करें तो ये इम्प्लांटेड होते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग्स में बाय बर्थ। फिक्शियस आइडियाज़ की बात करें, ये क्रिएशंस ऑफ माइंड है, हमारी इमेजिनेशंस का बाय प्रोडक्ट है ये। और अगर हम बात करें फिक्शियस आइडियाज़ की, तो ये सॉरी एडवेंचरस आइडियाज़ की, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स पे डिपेंड करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं। तो मतलब अगर हम डिटेल में देखें तो इनेट आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जो बाय बर्थ हमारे दिमाग में होते हैं, लाइक आइडिया ऑफ कॉजेशन, इन्फिनाइट इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं, आइडिया ऑफ एटर्निटी, आइडिया ऑफ गॉड। तो ये डिकार्ट्स के अकॉर्डिंग सब आइडियाज़ इनेट हैं। इनेट कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि वो बाय बर्थ हमारे दिमाग में थे, जैसे ही हमारा बर्थ हुआ है तो गॉड ने खुद इम्प्लांट किए हैं हमारे दिमाग में ये सब आइडियाज़। तो बाय बर्थ जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो इनेट आइडियाज़ के साथ आता है, ये मानना था रिने डिकार्ट्स का। तो अगर हम फिक्शियस आइडियाज़ की बात करें, तो ये वो आइडियाज़ होते हैं जो टोटली इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, जो माइंड की खुद की क्रिएशन होती है। अब फिक्शियस आइडिया की अगर जैसे बात कर रहे हैं हम, तो ये टोटली फिक्शियस भी नहीं होते, इनका भी मतलब रियलिटी से थोड़ा ना थोड़ा रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्डन देखा हुआ, आपने माउंटेन देखा हुआ है, तो आप एक क्या इमेजिन करेंगे, गोल्डन माउंटेन। तो आपने स्क्वायर देखा हुआ, आपने सर्कल देखा हुआ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं स्क्वायर सर्कल, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज फिक्शियस आइडियाज। और अगर हम बात करें एडवेंचरस आइडियाज़ की, तो एडवेंचरस आइडियाज़ वो होते हैं जो हम जब हम हमारे सेंस ऑर्गन्स ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में आते हैं तो वो राइज होते हैं। तो जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं ये फाइव टाइप्स की सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ पे जो आइडियाज़ आएंगे फाइव सेंसेशंस के थ्रू, फाइव सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, उन सबको क्या माना जाता है, एडवेंचरस आइडियाज। सो डिकार्ट्स रीजन्स को सेंटर मान के चलते हैं, रीजन्स को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, और वहीं से वो खुद का माइंड का एग्जिस्टेंस भी प्रूव करते हैं और बॉडी का एग्जिस्टेंस भी प्रूव करते हैं, इवन गॉड का एग्जिस्टेंस भी इनेट आइडिया से प्रूव किया। जैसे मतलब हम बात करें डिकार्ट क्या कहते हैं कि गॉड जो है वो एक इन्फिनाइट बींग है, तो इन्फिनाइट का कॉज भी क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट। तो अगर मेरे दिमाग में इन्फिनाइट का आइडिया है तो इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द इन्फिनाइट हिमसेल्फ। तो डिकार्ट कहते हैं कि अगर मेरे दिमाग में गॉड का आइडिया है तो वो आया कहाँ से, वो गॉड के सिवा और कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि हम जो फनाइट हैं, पेरेंट्स फनाइट हैं, जो बुक्स हैं रिलीजियस वो फनाइट हैं, तो इनफनाइट का कॉज कभी भी फनाइट नहीं हो सकता। तो अगर हमारे दिमाग में गॉड का आइडिया है तो वो गॉड ने खुद ही इम्प्लांट किया हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ इनेट आइडिया। जो आइडिया ऑफ गॉड है वो क्या है, इनेट आइडिया। तो इस तरह से डिकार्ट्स रीजन्स को मानते मानते डाउट करते करते एक्सट्रीम में जाते हैं कि खुद के एग्जिस्टेंस पे डाउट करना शुरू कर देते हैं, और देन वो अपने माइंड का एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं, देन जो मैटर है, जो मटेरियल थिंग्स है, उनकी प्रॉपर्टी जो है एक्सटेंशंस, उसका उसको बेस बनाकर वो बॉडी का एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं। तो शुरू तो वो डाउट से किया था उन्होंने फिलॉसफी, बट एट द एंड उनके पास मेंटल वर्ल्ड भी है और मटेरियल वर्ल्ड भी है, मतलब उन्होंने ड्यूलिज्म डेवलप कर लिया था कि रियलिटी दो हैं, एक मटेरियल है और एक मेंटल है, जैसे मतलब आप कह सकते हैं बॉडी और माइंड। तो इसको जो डिकार्ट्स है वो अपने ड्यूलिज्म्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ये था कि रीजन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, और मेथड ऑफ डाउट क्या है हमने वो देखा, और यहाँ पे देखा हमने आइडियाज़ की बात की, इननेट आइडियाज़ क्या हैं। तो इननेट आइडियाज़ वो होते हैं जो बाय बर्थ हमारे दिमाग में होते हैं। तो अदर टाइप्स के आइडियाज़ भी होते हैं जो डिकार्ट्स ने अपनी मेडिटेशन में डिस्कस किए हुए हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो मेन इंपॉर्टेंस रहती है रैशनलिज्म्स में, रीजन्स के साथ जिनको जोड़ के देखा जाता है, वो होते हैं इनेट आइडियाज। तो इनेट आइडियाज मतलब एक तरफ से डिकार्ट्स की फिलोसफी की फाउंडेशंस है, जिस पे उसने फिलोसफी बिल्ड की है। क्योंकि आई थिंक देयरफॉर आई एम डिक्लेयर करने के बाद डिकार्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जब तक उन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं किया। और गॉड का एग्जिस्टेंस का जो प्रूफ जो उन्होंने प्रूफ किया, गॉड के एग्जिस्टेंस का, वो टोटली किस पे रिलाई करता है? इनेट आइडियाज पे। तो इस तरह से जो इनेट आइडियाज हैं उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है रैशनलिज्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।